डूंगरपुर में एक रजवाड़े का शासन भी था लंबे समय तक। आप मुझे ये बताइए कि आपने क्या राज सिंह डूंगरपुर का नाम सुना है? महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़ी कुछ बातें बताएं। कितनी महिलाएं अभी तक राजस्थान में राज्यपाल पद पर नियुक्त हुई हैं? समय कम इन। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बैठ जाइए। थैंक यू सर। अपने बारे में कुछ बताइए। सर मैं डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मैंने 10th गवर्नमेंट महिपाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सागोड़ा डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट से किए। 12th मैंने स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सागोड़ा डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट से किए। ग्रेजुएशन में मैंने सर बीटेक कर रखा है इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम राजस्थान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन जयपुर। इसके पश्चात मैंने सर सुपरवाइज़र की पोस्ट पर काम किया है महिला अधिकारिता विभाग में, और इसके बाद मैं सर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हूँ, राजस्थान के रेंजर के पद पर कार्यरत हूँ। सुपरवाइजर आप कैसे चुनी गई, क्या प्रक्रिया थी? सर एग्जाम के थ्रू, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का सर। प्रत्यक्ष नियुक्ति हुई थी? जी सर। प्रत्यक्ष नियुक्ति परीक्षा के द्वारा, एग्जाम के द्वारा? जी सर। कब हुई थी? सर 2018 की वैकेंसी थी, 20 में पोस्टिंग हुई थी। ओके। और 14 में आप नेग्रेशन प्योर? जी सर। 14 से 18 क्या किया? सर प्रिपरेशन। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपने किया 2014 में, तो इकोनॉमी अच्छी खासी चल रही थी, प्लेसमेंट अच्छा मिल रहा था। जी सर। आपके कॉलेज में नहीं आए कंपनियां? सर आए थे, बट इंटरेस्ट सर गवर्नमेंट जॉब में था। अच्छा, कंपनियों का अच्छा ऑफर नहीं मिला आपको? जी सर, मेरा इंटरेस्ट सर गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादा था। तो आप अपीयर ही नहीं हुई प्लेसमेंट में? नो सर। अच्छा, सुपरवाइजर के तौर पर आपकी क्या उपलब्धियाँ रही हैं अभी तक महिला और अधिकारिता विभाग? सर वहाँ पर काफ़ी लड़कियाँ ऐसी थी जो स्कूल नहीं जाती थी, ड्रॉप आउट गर्ल्स ज़्यादा थी, तो उनका इनरोलमेंट करवाया स्कूल में। और दूसरी चीज़ सर वहाँ पर एक इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना चल रही है, जिसे महिलाओं को लोन लेकर उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनाया है। कैसे लड़कियों को आपने कन्विंस किया कि ड्रॉप आउट ना करें, स्कूल वापस जाएँ? सर कई लड़कियाँ जैसे जिनकी शादी हो गई है, पढ़ाई छोड़ दी उन्हें दोबारा हमने समझाया कि ओपन स्कूल जैसे होता है, उसके माध्यम से आप मतलब कम एग्ज़ाम देखकर कम 2 बार 3 बार मतलब जितने भी अटेम्प्ट मिलते हैं उसमें आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो घर बैठे ही। घर बैठे एग्ज़ाम देना है बस, पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब रेगुलर नहीं जाना है। रेगुलर नहीं तो उनकी 10th और 12th कंप्लीट हो जाए एटलीस्ट। ठीक है, तो एक उपलब्धि ये है कि बालिकाओं का ड्रॉप आउट रेट आपने कम करा दिया। जी सर। दूसरा आपने कि लोन दिलवाया, आत्मनिर्भर बनाने में योगदान मिला। जी सर। कितने महिलाओं को लोन दिलवाया आपने? सर वहाँ से कम ही हुए थे 10 to 12, इतना नहीं हो पाया। क्या दिक्कतें आ रही थी? सर बैंक की तरफ से दिक्कत आ रही थी वहाँ पर। बैंक वाले क्या बहाने बना रहे थे? बैंक वालों को स्कीम समझ में इतनी नहीं आ रही थी, वो बोल रहे हमारे पास ऐसे कोई निर्देश नहीं है। तो बैंक के मैनेजर से आपने बात की? सर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से होती है, डायरेक्ट हमारे थ्रू नहीं होती सर। अच्छा ठीक है। डूंगरपुर में एक रजवाड़े का शासन भी था लंबे समय तक? सॉरी सर नहीं पता। डूंगरपुर रजवाड़े के बारे में नहीं पता है? रजवाड़ा नहीं सर। डूंगरपुर में एक महल है छोटा सा, आपको देखा है कभी? बादल महल। हाँ सर देखा नहीं है। देखा भी नहीं है सर। एक्चुअली मैं मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर ही रही हूँ। अच्छा, डूंगरपुर में कम रही हैं? जी सर। डूंगरपुर में कौन सी जनजाति सबसे ज्यादा पाई जाती है? सर डामोर जनजाति। क्या खासियत है उनकी? सर ये वन पे निर्भर नहीं है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के थ्रू अपना आजीविका चलाती है। तो मुख्य धारा में आ गए हैं। जी सर। और कौन सी जनजाति है वहाँ? सर मेनली डामोर ही है वहाँ तो, और भील और ये आदिवासी। भील भी है ना? जी सर। उनके क्या लक्षण है? सर उनकी लिटरेसी थोड़ी कम है वहाँ पर, और घरेलू काम में ज़्यादा रहती हैं वो, डोमेस्टिक वर्कर बन। कि डूंगरपुर और प्रतापगढ़ वगैरह जो आसपास के ज़िले हैं उसमें जनजातीय समाज बहुत सारा है। जी सर। ऐसे ज़िलों के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित एक कार्यक्रम है। जी सर। उनके विकास के लिए अलग से कार्यक्रम चलता है, और ऐसे ज़िलों को आमतौर पर TSP ज़िले कहते हैं। जी सर। कितने TSP ज़िले हैं राजस्थान में? सर 8 है, जिसमें पूर्णतया 3 है और 5 आंशिक रूप से। कौन से पूर्णतया 3 है? सर डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। अच्छा, और अंशतः 5 कौन कौन से हैं? उसमें सर उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली, सिरोही। अच्छा, तो क्या निर्धारक कारक किस आधार पर हम किसी को पूर्ण कहते हैं और किसी को आंशिक कहते हैं? सर पॉपुलेशन के आधार पर है, जनजातीय आबादी के आधार। तो कितनी जनजातीय आबादी हो तो पूर्ण कहेंगे? सर एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन 74% अभी है वहाँ पर डूंगरपुर में। ST सर। हाँ ST। हाँ मतलब जो भी ट्राइबल एरिया है पूरा, उसमें 74% के अराउंड ट्राइबल एरिया जनजाति। ठीक है। ये गौर किया जाता है कि हालांकि वहाँ लिटरेसी रेट कम है, लेकिन वहाँ की महिलाएं सशक्त हैं, जी सर। वहाँ जेंडर रेशियो भी महिलाओं के लिए अनुकूल है, मतलब सेक्स रेशियो हाई है। जी सर। तो ऐसा क्यों है? कम साक्षरता होते हुए महिलाएं सशक्त कैसे हैं? सर इसका एक रीज़न तो यही है कि वो लड़कियों को बर्डन नहीं समझते। इकोनॉमिक वहाँ पर लड़की भी बराबर ही काम करती है लड़कों के, मतलब उनके समाज में प्रगतिशील विचारधाराएं हैं। जी सर। तो वहाँ बाल विवाह प्रचलित है कि नहीं? बाल विवाह सर है वहाँ प्रचलित है। तो बाल विवाह होते हुए भी महिलाएं सशक्त हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि बाल विवाह महिलाओं को अशक्त बना देता है? सर बाल विवाह से एक तो उनकी एजुकेशन रुक जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट भी हो जाता है, मतलब उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता है आगे चलकर, अगर पढ़ाई पूरी कंप्लीट नहीं करेगी। उनके हेल्थ पे अफेक्ट करेगा बाल विवाह, कई बीमारियां हो सकती हैं इससे, ओवरऑल मतलब रुक जाएगा डेवलपमेंट। तो ये फिर कैसा कि बाल विवाह होते हुए भी सेक्स रेशियो हाई कैसे? सर अलग अलग जनजातियों में सर हाई है, वहाँ पर बाल विवाह इतना प्रचलित नहीं है, पाटीदार समाज में थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, तो जनजातीय समाज की ये समस्या नहीं है ना बाल विवाह की? सर नहीं, मोस्टली नहीं है वहाँ पर। ठीक है। दीपिका जी, रनिंग करना आपकी हॉबी है? मैम इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट है। रनिंग करती हैं? जी मैम। रोज रेगुलर? ठीक है। आप रनिंग करती हैं तो जाहिर सी बात है कि रनिंग शूज़ पहन के ही करती होंगी। जी मैम। है ना। रनिंग शूज़ में अभी कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजीज आई हैं पिछले कुछ वर्षों में? सॉरी मैम ये नहीं पता। क्या आपने शूज़ खरीदते टाइम जो वो लोग एक्सप्लेन करते हैं उन पर ध्यान दिया? मैम एक्चुअली शूज़ हमें ट्रेनिंग से अवेलेबल करवाएं तो उन्हीं को पहन के कंफर्ट है उनमें हम। अच्छा, मेमोरी फोम टेक्नोलॉजी का नाम सुना है आपने? नो मैम नहीं सुना है। ठीक है चलिए, रनिंग, जॉगिंग और ब्रिस्क वॉकिंग तीनों में क्या अंतर है? मैम ब्रिस्क वॉकिंग में स्पीड वॉक होती है जिसमें हम स्पीडली चलते हैं, जॉगिंग में थोड़ा स्लो रनिंग करते हैं और रनिंग में स्पीड रहती है, और तीनों में एनर्जी लेवल का डिफरेंस होता है। तो इसकी कोई स्पीड निर्धारित की गई है कि इतनी स्पीड पे चल रहे हैं तो ये ब्रिस्क वॉकिंग है? एनर्जी पे है, अगर कम कंज्यूम हो रही है, एनर्जी खर्च हो रही है तो वो ब्रिस्क वॉक होगी, और उससे ऊपर जॉगिंग और उससे ऊपर रनिंग। ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि आपने क्या राज सिंह डूंगरपुर का नाम सुना है? जी मैम। कौन है? मैम क्रिकेटर। क्रिकेटर हैं और बाकी? और वहाँ के महाराजा भी। कहाँ के? डूंगरपुर के। महाराजा हैं या थे? नहीं थे, सॉरी। थे? कब थे, किस समय काल में थे? मैम टाइम पीरियड आपको नहीं पता। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। नए जिलों के बनने के बाद राजस्थान में अब कितने संभाग हैं? मैम 10। कौन कौन से? जयपुर, अजमेर, बीकानेर, पाली, सीकर, बांसवाड़ा, उदयपुर, भरतपुर। एक छूट गया अभी भी, जोधपुर। ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि ये जो ज़िले बने हैं, इन ज़िलों के बनने के बाद जो राजस्थान है वो ज़िलों की संख्या के आधार पर अब किस नंबर पे आ गया देश में? मैम 3रे नंबर पे। पहले 2 कौन है? एक तो MP, दूसरा यूपी। MP पहले नंबर पर, यूपी फर्स्ट है, सेकेंड MP। कितने ज़िले हैं यूपी में? सॉरी मैम ये नहीं, आपको इसका आइडिया नहीं है। महिला सशक्तिकरण विभाग में आपने काम किया है इसके पहले। आप मुझे राजस्थान के इतिहास से आने वाली कोई 5 स्ट्रॉन्ग महिला व्यक्तित्व, स्ट्रॉन्ग फीमेल पर्सनालिटीज के नाम बताइए, और आपको क्यों लगता है कि वो बहुत सशक्त हैं? मैम एक इतिहास का मतलब आप पुराने इतिहास से लेके अभी तक भी बता सकती हैं। मैम एक तो अमृता देवी बिश्नोई जिन्होंने खेजड़ी आंदोलन चलाया था। ठीक है। एक मैम अभी रूमा देवी जो बाड़मेर से हैं, जो हैंडीक्राफ्ट में और काफी उसमें कर रखा है कार्य। ठीक है। और अवनी लेखरा जो स्पोर्ट्स में है, और अवनि चतुर्वेदी स्पोर्ट्स में, ये भी स्पोर्ट्स में है अवनि चतुर्वेदी। सॉरी मैम इसमें फाइटर जेट इसमें। और भक्ति शर्मा करके है जो स्विमिंग में है। इतिहास में आपको पुराने इतिहास में कोई व्यक्तित्व तो नजर नहीं आता? मैम है ना, उसे पन्नाधाय, हाँ, कर्मायन गोरा और। अच्छा ठीक है। आपने महारानी गायत्री देवी का नाम सुना है? जी मैम। कौन थी वो? जयपुर की महारानी। जयपुर की महारानी होने के अलावा और क्या है उनके खाते में जिसके लिए उनको याद किया जाता है? मैम राजनीति में क्या क्या किया था राजनीति में? मैम नहीं याद है। आपको याद नहीं है? अच्छा ठीक है। मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि जो चंद्रयान मिशन है हमारा, उसमें बहुत सारी महिला वैज्ञानिक हैं, उनमें से कुछ के नाम बता दीजिए। सॉरी मैम। ठीक, थैंक यू सर। दीपिका, आपके नाम दीपिका का क्या अर्थ है? सर मशाल। भारत में 3 प्रसिद्ध महिलाओं का नाम बताएं जिनका नाम दीपिका है और किन क्षेत्रों से जुड़ी हैं। सर एक तो दीपिका पादुकोण जो बॉलीवुड से जुड़ी हुई है। जी। एक दीपिका कर्माकर जो जिम्नास्ट में है, और सर 2 याद आ रही है। दीपिका कुमारी का नाम सुना है आपने? नो सर। ठीक है। राजस्थान में इतने अधिक संख्या में टूरिस्ट क्यों आते हैं? जी सर। कुछ विशिष्ट कारण? जी सर, एक तो सर यहाँ का डेजर्ट जैसलमेर देखने के लिए आते हैं, ठीक है, जो बाकी डिस्ट्रिक्ट से डिफरेंट है, स्टेट से डेजर्ट एरिया। दूसरा सर उदयपुर अभी वेडिंग डेस्टिनेशन भी बना हुआ है वहाँ पर, लेक की वजह से। क्यों बना हुआ है सर? लेक और ज़्यादा है वहाँ पर, लेक बहुत है भारत में। जी सर। और कोई कारण सर? डाइवर्सिफिकेशन की वजह से ये राजस्थान। ठीक है। भारत के इतिहास या राजस्थान के इतिहास में राजस्थान की भूमि पर लड़ी गई प्रसिद्ध लड़ाइयाँ बताइए। सर हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में और गिरी सुमेल का युद्ध 1544 ईस्वी में। ठीक है। हल्दी घाटी की लड़ाई की आपने बात करी है, कोई विशेष बात उस लड़ाई की? जी सर, इसे महाराणा प्रताप ने अकबर के अधीनता स्वीकार नहीं की थी सर। महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़ी कुछ बातें बताएं। जी सर, एक तो सर इनकी स्वाधीनता इन्होंने स्वीकार नहीं की थी अकबर की, दूसरा स्वावलंबी थे ये, और तीसरा इन्होंने सर महिलाओं की भी रक्षा की थी, जैसे अब्दुल रहीम खान का जब कि बेगमों को उठा कर लाते हैं उनकी बेगमों को, तो वापस सुरक्षा के साथ वापस भिजवाते हैं महाराणा प्रताप। आपने बोला स्वावलंबी थे, क्या आप स्वावलंबी हैं? जी सर। जीवन से कुछ उदाहरण बताएं। सर एक तो सर इंडिपेंडेंट हूँ मैं फाइनेंशियली भी। क्या स्वावलंबन सिर्फ वित्तीय होता है? नो सर। क्या और तत्व हो सकते हैं? जी सर, सामाजिक आर्थिक तत्व भी हो सकते हैं। क्या राजस्थानी महिलाएं बाकी भारतीय महिलाओं या दूसरे राज्यों की तुलना में क्या अधिक स्वावलंबी होती हैं? सर राजस्थान की महिला भी भारत की महिलाओं में ये तो सर बराबर ही हैं, सभी बराबर हैं, कोई अंतर नहीं है। नहीं सर, वैसे तो अंतर है, लेकिन क्षेत्रों में स्वावलंबन अधिक पाया जाता है तुलनात्मक रूप से महिलाओं में। कोई भी विशिष्ट अंतर जो इस पक्ष पर आपको राजस्थान में नजर आता हो? राजस्थान, आपने कहा आपकी रुचि रनिंग में है। जी सर। इसे 100 मीटर की फर्राटा दौड़ सदैव खबरों में रहती है। पिछले ओलंपिक खेलों में किसने जीती थी? ओलंपिक खेलों में पिछले ओलंपिक कहाँ हुए थे सर? रियो ओलंपिक में, टोक्यो, सॉरी 2020। किसने जीती थी वो रेस? रेस का सर रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ अभी। किसी भी रेस में बता दीजिए, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, किसी भी पदक विजेता का नाम बता दीजिए पिछले ओलंपिक खेलों से। ओलंपिक खेलों ऐसे। अच्छा, उसेन बोल्ट का नाम सुना है आपने? जी सर। किस देश से आते हैं सर? जमैका। जमैका के धावक जो फर्राटा दौड़ों में इतना अच्छा प्रदर्शन क्यों करते हैं, क्या कारण है? सॉरी सर। ठीक है। भारत के किसी भी धावक का नाम बताइए। दूती चंद सर, उड़ीसा से। जो मिल्खा सिंह का नाम आपने सुना है? जी सर। मिल्खा सिंह पर एक मूवी भी बनी थी। जी सर। क्या नाम था? भाग मिल्खा भाग। क्या प्रेरणा आपको उस मूवी से मिलती है, यदि आपने वो मूवी देखी है? सर मैंने मूवी नहीं देखी। ठीक सर। दीपिका, जी सर, राजस्थान का जीएसडीपी कितना है? सॉरी सर, जीएसडीपी क्या होता है तो पता होगा। जी सर। क्या होता है सर? पूरे साल का इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है, जिसमें फाइनल डेटा। फुल फॉर्म क्या है जीएसडीपी का? ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो एक साल में जितना उत्पादन होता है उसको बोलते हैं। जी सर, फाइनल प्रोडक्शन जो होगा। लगभग में भी कुछ याद नहीं आ रहा है सर, अभी एक्चुअली इकोनॉमिक सर्वे नहीं देखा। प्रति व्यक्ति आय राजस्थान में कितनी है? लगभग 96,000 प्लस ही होगी। अच्छा, और ये पदानुक्रम में कहाँ है, मतलब ये हाईएस्ट के करीब है कि लोएस्ट के करीब है अन्य राज्यों के मुकाबले? सर मिडिल में होगा। मिडिल में होगा मतलब ध्यान से कभी गौर नहीं किया सर। 9-10 रैंक पर होगा। अच्छा, श्रम बल भागीदारी दर, श्रम बल में भागीदारी दर, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, समझती है क्या होता है? जी सर, लेबर कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं काम में, नंबर ऑफ पीपल। या श्रम बल में? हाँ, मतलब श्रम बल और कार्य बल दो अलग अलग बातें हैं। जी सर। क्या फर्क है दोनों में? सॉरी सर, लेबर फोर्स और वर्क फोर्स। जी सर। ध्यान नहीं दिया कभी इस पर? लेबर सर अनस्किल्ड, स्किल्ड सभी तरह के हो सकते हैं, और वर्क फोर्स शायद सर आप कहें तो अनुमान लगाऊँ। लगाइए सर। वर्क फोर्स में स्किल्ड ही होंगे। वर्क फोर्स में सारे स्किल ही होंगे, अनस्किल्ड वर्कर नहीं होंगे सर, नहीं होने चाहिए। अच्छा, अच्छा ये बताएं कि आपने महिला कल्याण और सहकारिता विभाग में काम किया है। महिलाओं के सशक्तिकरण का एक पैमाना यह भी है कि श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी दर बढ़ाई जाए। जी सर। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफ विमेन को बढ़ाया जाए। कितना है अभी श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी दर और क्या लक्ष्य होना चाहिए इसको बढ़ाने का? सर लेस देन 50% ही होगा अभी। हाँ लेस देन 50% तो है, लेस देन 30% है एक्चुअली। अच्छा सर। तो कितना होना चाहिए? सर 50% तो लाना होगा, अगर लेस देन 30% है तो उसमें शहर की महिलाओं की भागीदारी श्रम बल में ज़्यादा है या गाँव की महिलाओं की? सर गाँव की ज़्यादा होगी क्योंकि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व रहती है। हाँ ये आपका लॉजिक सही है, गाँव में महिलाओं की भागीदारी दर श्रम बल में ज़्यादा है, शहर में कम है। जी सर। तो हमें ज़्यादा ध्यान शहर में ही देना पड़ेगा। जी सर। तो शहरी महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी कैसे बढ़ाएंगे? सर एग्ज़ाम प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में, गवर्नमेंट में सर एग्ज़ाम देकर क्लियर करेंगी तो उनका पार्टिसिपेशन रेट बढ़ेगी और आईटी सेक्टर है, इंडस्ट्रीज़ है, उनमें भी बढ़ सकती है। क्या ऐसा भी कर सकते हैं कि हम कुछ परीक्षाएं सिर्फ लड़कियों के लिए आयोजित करें, इसमें लड़कों को अनुमति ना दें, उसमें भागीदारी भी? सर ऐसे है, सुपरवाइजर का एग्ज़ाम जो ICDS कंडक्ट करवाती है, ICDS का, उसमें सिर्फ महिलाओं को ही लेती हैं। तो इस तरह के और भी समर्पित अभियान चलाए जाने चाहिए। हाँ सर चला सकते हैं। किस किस विभाग में ऐसे अभियान चलने चाहिए? सर IT सेक्टर में चल सकता है, एक तो एक महिला बाल विकास में। लेकिन फिर इसमें महिलावादी या स्त्रीवादी जो चिंतक हैं वो ये कहने लग जाती हैं कि आप महिलाओं को कमज़ोर समझते हैं, आप उनको पुरुषों के मुकाबले से बाहर कर रहे हैं। नहीं सर, उनका स्तर नीचे है तो उन्हें एक लेवल पर लाने के लिए तो ज़रूरी है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जी सर। ठीक है दीपिका, जाते जाते ये बता दीजिए। जी सर। कितनी महिलाएं अभी तक राजस्थान में राज्यपाल पद पर नियुक्त हुई हैं? सर 3। कौन कौन? श्रीमती प्रतिभा पाटिल, श्रीमती प्रभा राव और श्रीमती मार्गरेट अलवा। पक्का? जी सर। और कोई नाम नहीं है इसमें? सॉरी सर रिकॉल नहीं कर पा रही, कोई नहीं याद आ रहे। ठीक है दीपिका, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा, आपका इंटरव्यू हो गया, जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। बैठिए दीपिका। आयोग में इंटरव्यू के लिए पहले जाने का अनुभव है? जी सर। क्या परिणाम हुआ था उस वक्त? सर सेलेक्ट हो गई थी सर, रेंजर का था, उसमें दिया था। कितने अंक आए थे? सर आउट ऑफ 75 52 मार्क्स। अच्छे नंबर आ गए थे। जी सर। नहीं। और हाईएस्ट मार्क्स उस साल कितने, किसको मिला, कितना अंक आया था? किसमें सर? उसी वर्ष अधिकतम अंक कितना मिला? वो डिक्लेयर नहीं हुआ, पता नहीं किसे। वो पता आपको नहीं लग सका? नहीं सर। ठीक है, तो आज का परफॉर्मेंस जैसा है उससे क्या लग रहा है, कितने अंक आ जाने चाहिए? सर 50 to 60 के बीच में रहेगा बस। 100 में भी 75 ही, मतलब 50। सर काफ़ी चीज़ें नहीं आई थी मुझे। क्या क्या नहीं आया आपको? सर मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था, थोड़ा मैंने एम्पावरमेंट पुराना हो गया था तो थोड़ा कम प्रिपेयर कर पाई थी सर। मुझे लगा ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछेंगे। चलिए ठीक है, तो जो तैयार है सो तो तैयार ही है, जो तैयार नहीं है उस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए आपके परफॉर्मेंस में 2 ही 3 बातें हैं मोटे तौर पर, बाकी आप अनुभवी हैं, आयोग में जा चुकी हैं तो आपको ज़्यादा फीडबैक की ज़रूरत नहीं है। एक तो ये ध्यान रखना है कि एंट्री आपकी ठीक है, ड्रेस सेंस आपका ठीक ही है, बैठने की भंगिमा ठीक है, हैंड प्लेसमेंट ठीक है, ये सब अच्छी चीज़ें हैं। आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आप डूंगरपुर ज़िले से आती हैं, डूंगरपुर ज़िले के बारे में आपको जानकारी और बढ़ानी पड़ेगी। जी सर। ठीक है, महल का नाम गलत बता दिया था आपने, एक और दूसरा महल है, नहीं भी रही हैं फिर भी पढ़ लीजिएगा, पढ़ने में क्या दिक्कत है। सर इतनी हिस्ट्री मिल भी नहीं पाती सर नेट पे, जितना सर्च किया रजवाड़ा और ये सर। नहीं मिल जाएगी, तस्वीर के साथ है यहाँ पर रजवाड़ा, जूना महल पैलेस, जूना महल सर है ना, है सब उपलब्ध है, आप बहानेबाजी ना करिए, पढ़ लीजिएगा। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आपका आई जो है ना, आई कॉन्टैक्ट स्टेबल नहीं है, आप बातचीत करते समय लगातार ऊपर ऐसे देखती रहती हैं, ऐसे ऐसे घुमाती भी रहती हैं नज़रों को, वैसे नहीं करना है, उससे आप ये अंदाज़ा लगता है कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। ठीक है, तो ऐसे संकेत नहीं देने हैं बोर्ड में, आप उसको देखिए, उस व्यक्ति को देखिए जिससे आप बात कर रही हैं कॉन्फिडेंटली। कल को आप DSP बनिएगा, ADM बनिएगा, SDM बनिएगा, तो ऐसे नज़रें चुराने से तो काम चलेगा नहीं। ठीक है, तो थोड़ा दिलेरी दिखानी पड़ेगी, थोड़ा कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, तो एक तो उस पर गौर कर लीजिए। और राजस्थान के बारे में और भी चीज़ें पढ़ लीजिए। राजस्थान में जो घटनाएं घट रही हैं, आपने जैसे लिखा है कि आपको दौड़ना अच्छा लगता है, तो एथलेटिक्स अभी एक खेल प्रतियोगिता चल रही है, ओलंपियाड चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, क्योंकि आप खिलाड़ी हैं। रनिंग, जॉगिंग, ये सब, स्प्लिंटर, ये सब सवाल जो आ रहे थे वो इसीलिए आ रहे थे कि आपने लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा वो कर लीजिए। और वो रेंजर वाला भी तो कर ही लीजिए आप, वो हमने इसलिए नहीं पूछा, जैसे आपने लिखा है धारवाड़ में आप प्रशिक्षण पा रही हैं, तो प्रशिक्षण पाने का मतलब है कि आप ताज़ा ताज़ा क्लास करके आई ही हैं, तो सब याद होगा, ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ। नहीं, अगर वो आप प्रशिक्षण आपका 4 महीने पहले हुआ रहता तो मैं जांचता ये पूछ कर कि कहीं भूल तो नहीं गई है, लेकिन अभी तो एकदम ताज़ा ही मेमोरी में चल ही रहा है, लेकिन वो भी आप तरोताज़ा बनाए रखिएगा, ठीक है। और बाकी सब ठीक है, मतलब अगले 2 ही दिन में आपका इंटरव्यू है, तो आपको मैं बहुत और भी बातों पे ध्यान नहीं दिलाना चाहता, बस आप अपना आई कांटेक्ट थोड़ा स्टेबल रखिए और थोड़ा सा तथ्यात्मक जानकारी अपने ज़िले और कुछ राज्य के बारे में भी बढ़ा लीजिए, ठीक है। बातचीत का अंदाज थोड़ा सा और ऊर्जावान अगर हो सके, एनर्जी लेवल बढ़ा सकें आप, थोड़ी सी ध्वनि ऊंची रख सके तो और बेहतर होगा, ठीक है। और कोई संशय या सवाल हो तो पूछिए। सर, आई कांटेक्ट नहीं बन पाता है, पता नहीं क्यों। वो बनाना पड़ेगा, कोशिश करिए कि जितना नजरों, मतलब आंखों में आंखें डालकर हिम्मत के साथ जवाब दीजिए और जवाब मांगिए, ठीक है, ये करना चाहिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।